बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव को लेकर पूरे राज्य में प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन शराब का अवैध कारोबार जारी है। हालांकि इलाके में शराब बेचने और पीने वालों पे लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके शराब कारोबारी बेखौफ होकर धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। इस दौरान बुधवार की देर रात SSP ऑपरेशन के नेतृत्व में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कोई गाँव में छापेमारी कर शराब का 18 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करों के पास से भारी मात्रा में देशी शराब, शराब बनाने के उपकरण, 8 बाइक और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के बड़े रैकेट को तोड़ते हुए इन लोगों के पास से करीब 600 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। इस दौरान शराब बनाने के उपयोग में किए जाने वाले आधा दर्जन गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। SP नवीन चंद्र झा के निर्देश पे हुई ऑपरेशन नाइट में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, वह भी पंचायत चुनाव के आन वक्त पे। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध और गैर कानूनी रूप से शराब निर्माण करने वालों कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। लाल लीजिए 18 वगैरह 20 को।